लास्ट वीडियो में हमने पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। आज हमारा जो टॉपिक है उसके बाद, डेट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। इससे पहले जो भी टॉपिक्स थे वो प्री फर्टिलाइजेशन में हम इंक्लूड कर सकते हैं। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप हमारा जो होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का, डेट इज़ फर्टिलाइजेशन। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होती है। आपने 10th 11th क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा है, तो मैं एक बार ही थोड़ा सा डिटेल में यहाँ बताऊँगी। डबल फर्टिलाइजेशन, मैंने कहा था इस डायग्राम को थोड़ा अच्छे से पढ़ना, ये आगे काम आएगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, दो बार फर्टिलाइजेशन होगी। दो बार फर्टिलाइजेशन क्यों होगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ टू मेल गैमेट्स हैं। ओके, ये टू मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब के थ्रू, यहाँ मैंने इस डायग्राम में कुछ एडिशन किया है, एंटीपोडल सेल्स का अदर नेम लिखा हुआ है वेजिटेटिव सेल, पोलर न्यूक्लियाई को हम सेकेंडरी न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, और यहाँ मैंने पोलन ट्यूब बनाई है। पोलन ट्यूब के अंदर टू मेल गैमेट्स हैं। ये टू मेल गैमेट्स पोलन ट्यूब कैरी करके अपने साथ एम्ब्रियो सैक तक लेकर के जाती है। जैसे ही पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करती है, इनमें से कोई भी सिनर्जिड हो सकती है, जैसे लगा लो ये है, तो ये पोलन ट्यूब की एंट्री के दौरान ही डीजनरेट हो जाएगी। ओके, और जो दूसरी सिनर्जिड है वो डीजनरेट होगी जब पोलन ट्यूब के अंदर से मेल गैमेट डिस्चार्ज हो जाएंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर। ओके, समझ में आई ये लाइन। डबल फर्टिलाइजेशन में इन एम्ब्रियो सैक वन सिनर्जिड डीजनरेट एट द टाइम ऑफ एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द एम्ब्रियो सैक। एक सिनर्जिड तो पोलन ट्यूब में एंट्री के दौरान ही डीजनरेट हो जाएगी, और सेकेंड सिनर्जिड डीजनरेट्स शॉर्टली आफ्टर द एम्ब्रियो सैक हैज रिसीव्ड द पोलन ट्यूब डिस्चार्ज। तो सेकेंड सिनर्जिड जो है पोलन ट्यूब डिस्चार्ज मिलते ही डीजनरेट हो जाएंगे। इनका काम जो होता है सिनर्जिड का, इनका काम होता है पोलन ट्यूब को गाइड करना। अभी पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर चली गई, उसके बाद पोलन ट्यूब ने मेल गैमेट्स डिस्चार्ज कर दिए, अब इनका काम खत्म, तो ये क्या हो जाएंगी, डीजनरेट। अब दो, क्योंकि दोनों मेल गैमेट एंटर कर चुके हैं हमारे एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो अब क्या होगा, एम्ब्रियो सैक की प्रोसेस है ये सारी जो हो रही है प्रोसेस, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर होगी। तो यहाँ पर जो हमने ये एम्ब्रियो सैक बनाया हुआ है, इस एम्ब्रियो सैक में जो फर्स्ट मेल गैमेट है, जो ये मान लो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट मेल गैमेट सबसे पहले किसके साथ फ्यूज करेगा, एग के साथ। ये एम्ब्रियो सैक मैंने फिर से बनाया है, ये सिनर्जिड डीजनरेट हो रही है, यहाँ एग था, एग के साथ फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज हो गया और उसने क्या बना दिया, जाइगोट। और ये जाइगोट जो है अभी थोड़ी देर के लिए इनएक्टिव रहेगा। ओके, क्योंकि इसको नरिशमेंट नहीं मिल रही है, तो ये अभी एक्टिव नहीं होगा, अभी ये नरिशमेंट की वेट करेगा। ओके, तो नरिशमेंट इसको मिलेगी जब सेकंड फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। तो समझ में आया ये फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कैसे हुई, तो मैं यहाँ दिखाऊंगी इसको। पहला मेल गैमेट पोलन ट्यूब से आया एम्ब्रियो सैक में, इसकी प्लॉइडी एन है, एग न्यूक्लियस होता है एम्ब्रियो सैक में, इट इज़ ऑल्सो हैप्लॉइड, दोनों फ्यूज करेंगे, इसको हम बोलते हैं सिनगैमी या जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, और जो प्रोडक्ट बनेगा डेट इज जाइगोट, इट इज डिप्लॉयड, एन प्लस एन टू एन डिप्लॉयड। देन सेकेंड मेल गैमिट, अभी ये जाइगोट इनएक्टिव है। ओके, देन इसके बाद सेकेंड मेल गैमिट होता है, वो अब कहाँ आएगा, यहाँ पे, यानी कि यहाँ अंदर सेंट्रल सेल के अंदर। ये सेकेंड मेल गैमेट इन पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा, क्या बना देगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाएगा। सबसे पहले प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फिर उसके बाद सेल फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर सेकेंड मेल गैमेट प्लॉइडी एन, टू पोलर न्यूक्लियाई है एन प्लस एन, इनकी फर्टिलाइजेशन हुई, यानी कि इसको हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि दो ये है एक ये है, तीन मिल करके फ्यूज हो रहे हैं। इस फ्यूजन को हम वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, वेजिटेटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इस फर्टिलाइजेशन से जो प्रोडक्ट बनता है इट इज़ न्यूट्रिटिव, डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड वेजिटेटिव। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया, इट इज़ ट्रिप्लॉयड, एन एन एन, तीन एन मिल करके थ्री एन बन गया ट्रिप्लॉयड। अभी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप करके क्या बना देगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना देगा। ओके, तो ये दो फर्टिलाइजेशन हो रही है एम्ब्रियो सैक में, टू टाइप ऑफ फ्यूजन, यानी कि सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन टेक्स प्लेस इन एन एम्ब्रियो सैक, सो द फिनोमिना इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो डबल फर्टिलाइजेशन हमारे इस एम्ब्रियो सैक के अंदर होती है। तो जहाँ ये माइक्रोपाइलर एंड था, यहाँ पर जाइगोट बन गया है, सिनर्जिड्स डीजनरेट हो रही है, एंटीपोडल सेल्स भी डीजनरेट हो जाएंगी,
फिर सेकंड फ्यूजन से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, देन ये सेंट्रल सेल जो है ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। अभी इनको हम थोड़ा और डिटेल में करेंगे। जो ये एंडोस्पर्म बना है, क्योंकि ये न्यूट्रिटिव होता है, जैसे एंडोस्पर्म बन जाएगा वो जाइगोट को नरिश करेगा और जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में। बट जो ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन है ये फर्टिलाइजेशन में नहीं आती है। एम्ब्रियो डेवलपमेंट आप सभी ने पढ़ी है, ये स्टेप जो होगा हमारा ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन में होगा। इससे पहले वाला स्टेप फर्टिलाइजेशन है, ठीक है।